अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर है। हेलो। अच्छा, लैग कर रही है ऐसा ना, आपका इंटरनेट आप चेक कर लो क्योंकि सबको आ रही है। जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। ओके, परफेक्ट। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। टॉपिक जो है फर्स्ट बिटकॉइन का क्विक से थॉट्स, सेम वही सिनेरियो है, उसको ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा। आज मैं स्कैल्पिंग की जो स्ट्रेटजी के बारे में मैंने बात की थी, जो मेरी अपनी रेसिपी है, किस तरह से कौन से कन्फिडेंस और कन्फर्मेशन मेरे लिए क्या इंडिकेशन बेहतर होती है प्राइस एक्शन के हिसाब से, कौन से चार्ट्स को मैं मिक्सअप करके मर्ज करके जो है लेता हूँ, ठीक है, कोरिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, या फिर ऑपोजिट चार्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे बिटकॉइन यूएसडीटी के चार्ट पे। ये कल मैंने थोड़ा सा रात में फिर देखा, बिटकॉइन को स्कैन किया, नेकेड चार्ट पे मैंने कुछ ड्राइंग की है थोड़ी सी, ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें कुछ। अभी के लिए मेरी ये अजम्पशंस हैं, ठीक है, डेली का चार्ट है, मुझे पता है काफ़ी मैसी हो रहा है, डेली का चार्ट है। प्राइसेस ने जो है काफ़ी डाउन ट्रेंड यहाँ पे शो किया है। एज यू कैन सी, अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है, तो वी आर इन कंप्लीट डाउन ट्रेंड, वी आर गोइंग टू अ लोअर हाई और यहाँ पे एक फेक आउट पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ से प्राइसेस बाउंस होती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कन्फिडेंस ठीक नहीं था, पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है ना, इसी तरह यहाँ पे मैं एक समझता हूँ कि एक फेक आउट हो छोटा सा, इन जोन से बाहर, अपनी टेरिटरी से प्राइस बाहर निकले, एक डेविएशन करे, ठीक है, एक छोटी सी डेविएशन करे, ताकि प्राइसेस जो हैं वो थोड़ा सा रिलीफ रैली जिसको हम कहते हैं, अभी तक हमने रिलीफ रैली नहीं देखी कंप्लीट। जो मैं सीएमई गैप का आपको कन्फिडेंस दे रहा होता हूँ ना, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा उसको, वो जो है वो इसी वजह से दे रहा होता हूँ क्योंकि एक तो हमारा रेंज हाई है स्ट्रांग, ठीक है, डिसेंडिंग चैनल का एक हायर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन रीटेस्ट भी हम इसको कह सकते हैं, प्लस ये जो मैंने नीचे के जोन्स मार्क किए हैं ना, अगर ये ऊपर की तरफ जाती है प्राइस इस तरह से और रिजेक्शन लेती है स्ट्रांग, जो कि एक की लेवल भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एक स्ट्रांग की लेवल है, देखें ये वीकली की लेवल है मेरे लिए, और मैं समझता हूँ जिस तरह से मैंने ये सारे इस ट्रेंड को ट्रेड किया हुआ है, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। अब की लेवल क्यों है ये, साथ साथ मैं टेक्निकल पे फोकस कर रहा होता था कि आप सबका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब हमारा ब्रेकआउट एरिया ये होगा ना कि ये, ठीक है, हमारा मसला क्या है, हमें सारे कन्फिडेंस लेने ही नहीं आते, हम समझ ही नहीं पाते मार्केट, क्योंकि मार्केट हमें कहना क्या चाहती है। देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इंटरनल में ऑलरेडी जो कि हो चुका है ऊपर की तरफ, अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर में हम अप ट्रेंड में हैं, ठीक है, ओके, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो है अभी करंटली हम अप ट्रेंड में हैं, ठीक है। तो अगर प्राइसेस ब्रेकआउट करती हैं और यहां तक आती हैं, इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप लोग ये करना शुरू कर दो, फोकस, ठीक है, फोकस के साथ देखें। अगर प्राइसेस यहां से ब्रेकआउट करती हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप लोग जो है मेजरमेंट करना शुरू कर दो कि चैनल का मिड यहाँ से यहाँ तक, नो, ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न उस तरह से वर्क नहीं करते। हमारी एक, आपने बिग पिक्चर पे देखना होगा, ठीक है, कि ये
ये जो है ये की रेजिस्टेंस है, इसके इसके नीचे रिजेक्शन हो सकती है। तो अगर रिजेक्शन होती है यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ये है मेरे पास कि प्राइसेस नीचे आए, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो मैं पहले से बता चुका हूँ आप सबको, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको एक, मैं आप सबको मैं सजेस्ट करूँगा ये वीडियो, ठीक है। यहाँ पे एक वीडियो है, सेशन में से, ठीक है, एक डिटेल सेशन है, मैं सबको सजेस्ट कर रहा हूँ, आई रिकमेंड वॉचिंग दिस, ठीक है, आई रिकमेंड, गिव इट सम टाइम। ये यहाँ पे एक है, तब मैंने शेयर भी की थी ग्रुप में, ये दिस वन, ठीक है, बिटकॉइन अपडेट वार्निंग अबाउट क्रिप्टो प्राइसेस। और ये मैंने डिटेल में बहुत ही ब्रीफली समझाया हुआ है कि क्या क्या वर्स्ट के सिनेरियोज होंगे जिसकी वजह से बिटकॉइन $10,000 पे आ सकता है। ये मैंने कब बताया हुआ है, 3rd जुलाई, ठीक है, मोर देन अ मंथ, सो मस्ट वॉच दिस, आई रिकमेंड वॉचिंग दिस, ठीक है, 3rd जुलाई की जो वीडियो है, जो लाइव सेशन है रिकॉर्डेड। अच्छा, मूविंग ऑन टू द चार्ट्स, तो अभी के लिए मेरी अजम्पशन ये है, चार्ट से मेरी एक्सपेक्टेशन हायर टाइम फ्रेम पे ये है कि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ तक आए और रिजेक्शन ले, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि रिजेक्शन ना ले, रिजेक्शन ले यहाँ से, नीचे आए प्राइसेस, मस्ट प्राइसेस हैव टू कम डाउन, एटलीस्ट एटलीस्ट जो 18,000 से नीचे जितनी भी लेवल टू लेवल लिक्विडिटी है ना, देखें क्रसर पे फोकस करना है, ये जितनी भी लिक्विडिटी है ना यहाँ पे, लो 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 लो, ये सारी फ्लिप होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मार्केट हैव टू ड्रॉ दिस, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी को ड्रॉ करना, बाइंग ग्रैब करना, स्टॉप लॉसेस हंट करना, ठीक है, सिंपल इज दैट। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जो कि एक वन ऑन वन की क्लास थी, उसमें मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। उससे पहले ये काइंडली कंफर्म कर दें, यहाँ तक जो मैंने कन्फ्यूज समझाए, सारी चीज़ें समझाई हैं, वो क्लियर है? परफेक्ट, क्लियर। अच्छा, एक चार्ट है, ठीक है, जो मैंने आज ड्रॉ किया है, उस टीचिंग बस ये है कि इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड फ्यू टॉपिक्स। अच्छा, ओके, सो मूविंग ऑन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चार्ट, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आप सबको, ठीक है, ये जस्ट आई वॉज टीचिंग द मार्केट स्ट्रक्चर स्टूडेंट। तो यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ठीक है, मैं चाहता हूँ आप सबकी लर्निंग भी हो साथ साथ, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, बिग पिक्चर पे जो स्ट्रक्चर है उसने यहाँ पे, लेट सपोज यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ऊपर की तरफ प्राइस गई, फिर से छोटा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर से प्राइस नीचे आई, फिर से जो है यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर ख़राब होना शुरू हो गया। MSB भी हम इसको कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, MSB हम इंटरनल स्ट्रक्चर में ब्रेक होने कहते हैं, जिस पे इंशाल्लाह मैं कोर्स लॉन्च करूँगा, जितने भी हमारे कम्युनिटी में भाई हैं जो सीखना चाह रहे हैं, फ्री कोर्सेज होंगे इंशाल्लाह, ठीक है वो। अच्छा, तो उसके बाद जो है आप देख सकते हैं प्राइसेस नीचे आई, ठीक है, इक्वल लोस, ये इक्वल लोस को फ्लिप करना, इसे कहते हैं स्टॉप हंट करना, ठीक है, और लिक्विडिटी ग्रैब करना, मतलब बाइंग ग्रैब करना, ठीक है, जिसमें FVG भी आ जाता है, ऑर्डर ब्लॉक्स भी आ जाते हैं, पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है, यू कैन जस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग विद अ स्पेसिफिक थिंग, जरूरी नहीं है कि आप सब कॉन्फिडेंस लेके बैठ जाओ, एक चीज को फोकस करो, उसको मास्टर करो और उस पर काम करो, सिंपल इज दैट। यहाँ पे फिर से BOS हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसी ऊपर की तरफ गई, लोअर लो, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, यहाँ पे हाईस बने इक्वल, ठीक है, इक्वल हाईस बनने के बाद आप देख सकते हैं ये जो लिक्विडिटी थी यहाँ पे ड्रॉ हो गई, सारे स्टॉक हंट हो गए, एक्सचेंज ने भी तो पैसा कमाना है ना। उसके बाद प्राइसेस आ रही,
तब से मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ बताता हूँ मैं, सब्र एक मिनट। अच्छा, तब से लेके अभी तक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर खराब है, ठीक है। मैं एक लोअर हाई फिर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टुवर्ड 28-29 के, ठीक है। इट डजेंट मीन अगर यहाँ तक प्राइसेस आती है तो इसका ये मतलब नहीं होगा, अभी दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि बस ब्रेकआउट हो गया और प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। अगर मैं कहता हूँ कि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ठीक है, एक न्यूबी का माइंडसेट मैं बताता हूँ आपको, इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं बस BTC 200 के। ट्विटर पे देखना, एक कैंडल के बाद ना पोस्टें शुरू हो जाएंगी BTC 200 के। सो डू अंडरस्टैंड, ये एक फेक आउट हो गई, ब्रेकआउट मैं इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूँगा, ठीक है। ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स को हमेशा ये लोग जो हैं प्ले करते हैं, लाइक इन फॉरेक्स जैसे कि ब्रोकर्स ट्रेडर्स के अगेंस्ट प्ले करते हैं, सिंपल इज दैट। सो या होपफुली ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया ये भी क्लियर हो गया होगा। सेशन रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, एक बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, इनशाला क्वेश्चन क्लियर है हो जाएगा। रिगार्डिंग दिस के, अगर इधर से तो डेफिनेटली आप करें 29,000 टच करेगा, जो कि डेफिनेटली एक ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन से काफी ऊपर अमाउंट है। सो डेफिनेटली टेक्निकली कि एक बंदा यही सोचेगा कि ये एक ब्रेकआउट है, क्योंकि वो इतनी ऊपर चले गए, क्योंकि टेकआउट कभी कभार मीन्स के ना हमेशा वो थोड़ा सा तोड़ कर दोबारा एकदम से नीचे आ जाता है, ये एक बंदे की सोच है। तो इतना कैसे पॉइंट आउट मीन्स करेंगे, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये होता है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इधर से ब्रेकआउट हुआ दिया वो ऊपर ही जाएगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। अब आता हूँ मैं BTC पे फाइनल थॉट्स पे, और आपका जो कॉन्सेप्ट है ये मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि ये जो है ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है ट्रेंड के हिसाब से, और ये है एक हॉरिजॉन्टल की लेवल, हॉरिजॉन्टल की रेजिस्टेंस, वीकली की भी कहूँगा मैं इसको, ठीक है, वीकली की रेजिस्टेंस, इसको मुझे कंप्लीट लिखना चाहिए था, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर यहां से ब्रेकआउट होता है तो इट डजेंट मीन कि BTC 2 43 के 45 के, ठीक है, इट डजेंट मीन। अगर ब्रेकआउट होता है तो ये डेफिनेटली अपने CME गैप्स के लिए जाएगा, इट विल ड्रॉ सम लिक्विडिटी आउट देयर, उसके बाद प्राइसेस नीचे आना शुरू होंगी, ठीक है। जो हाइस की अगर बात करें 4 आवर के चार्ट पे, अगर मैं हाइस की बात करूं, ठीक है, जो इसने लेके जाने थे ना इक्वल हाइज, ये कब से हम इसको ट्रेड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह लेवल टू लेवल। तो ये जो है यहाँ से हमने फ्लिप किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो इसका जो है ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अच्छा, बिटकॉइन पे मैं नेकेड चार्ट पे आता हूँ, सब कुछ वीकली पे आता हूँ, सब कुछ क्लियर करके। ओके, अब फोकस से सुनना है सबने, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। जो रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है, अब ये भी मैं क्लियर कर दूं कि आपको कभी भी रियल रिपोर्ट्स नहीं दिखाई जाती। जो CPI रिपोर्ट्स हैं, अगर हम फेड मीटिंग की बात करें, ठीक है, कभी भी आपको रियलिटी नहीं दिखाई जाती, द केस इज वर्स्ट, ठीक है। हम जिस तरह से देख रहे हैं इसको, ये उस तरह से नहीं है, इट्स वर्स्ट, बहुत हालात ख़राब हो रहे हैं। तो कल मैंने सारी बाइंग जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आप सबको एक छोटी सी अपडेट दी थी, वो इस मैसेज में सारी बाइंग जो जितने भी ऑर्डर्स थे मेरे बाइंग ऑर्डर्स वो मैंने कैंसिल कर दिए। इट इज़ नॉट अबाउट पैनिक, ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट पैनिक, इट इज़ अबाउट कि मैं खुद को सिक्योर कैसे करूँगा। मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है मार्केट में, तो डेफिनेटली मुझे खुद को सिक्योर करना है, मुझे खुद को सेव करना है उससे, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, मार्केट्स में जितने भी मेरे भाई हैं, जब जब बेरिश न्यूज़ आती है, एक तो ये पैनिक सेलिंग ना किया करें, ठीक है। बहुत दुख होता है जब आप लोग पैनिक सेलिंग करते हो ना, बहुत दुख होता है। इसीलिए जो है एक कैंडल के बाद मैं कहता हूँ, मैं आप सबको दिलासे दे रहा हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, और ऐसे नहीं करें, पैनिक सेल ना करें, बाइनेंस क्लोज कर दें, ये कर दें। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ही यही होती है कि आप सब लोग अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को, और जो एक इथिकल तरीका है उसकी उस माइंडसेट से आओ। मैंने अपने बैच में कुछ लोगों को, कुछ चंद लोगों को ही सिलेक्ट किया है, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि मेजोरिटी का माइंडसेट ख़राब है, ठीक है। मेजोरिटी इज गोइंग फॉर अनरियलिस्टिक गोल्स, जब तक, हाँ अच्छा, कुछ ऐसे भी आ रहे हैं इसमें कि जो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि नहीं मेरा तो ये माइंडसेट है, ये मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, मैं निकाल लूंगा। तो मेरा जवाब ये होता है, चलो निकाल लो, ठीक है, सीखो। अच्छा, तो हमेशा एक माइंडसेट के साथ चले मार्केट्स में। अभी के लिए मेरा क्या ट्रेड प्लान होगा, वंस एंड फॉर ऑल मैं बात बताऊंगा आपको, ठीक है।
मैं अभी के लिए, पहले मैं 4 आवर की बात कर रहा था, लेकिन अभी के लिए मैं 15 मिनट के चार्ट से आगे ट्रेड नहीं करूँगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है? क्योंकि मार्केट में ओवरऑल अगर सिनेरियो उसको मैं देखूँ तो वो ठीक नहीं है, फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, ठीक है? सिर्फ एक चीज़ बुलिश है इस टाइम, और जो कि लॉन्ग टर्म है, एक्टिव एड्रेसेस और एक बिटकॉइन एटलीस्ट जो वॉलेट्स होल्ड कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी वो बढ़ती जा रही है। सो दिस इज लॉन्ग टर्म बुलिश थिंग, सुबह भी मैंने मेंशन की थी ये चीज़। चले, होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा। उससे पहले मैं 3 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, आई गो फॉर मैटिक, वन ऑफ माई फेवरेट स्कैल्पिंग प्रोजेक्ट। क्योंकि इसमें NFT ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती हैं मैटिक में, इसकी ट्रैफिक ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इसको मैं ट्रेड करता हूँ फ्रीक्वेंटली स्कैल्पिंग के लिए। उससे पहले ये कन्फर्म कर दे, बिटकॉइन के जितने भी मैंने कन्फ्रेंसेस बताए, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, सब कुछ क्लियर है? कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो छोटा सा, यू कैन आस्क मी, आई विल आंसर। अस्सलाम वालेकुम। 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 अच्छा मेहरान भाई, अभी जैसे मैं 15 मिनट का चार्ट ना मैंने ट्रेड किया काफी ना, तो मैंने इसको 23,500 के करीब जो है सेल आउट किया है, और इसको 23,221 यहाँ से जो है इसको मैंने अपसाइड जो है ट्रेड किया है ना। अच्छा बिटकॉइन के अंदर इश्यू आता है कि इसके अंदर परसेंटेज जो है ना कम आती है, मतलब अगर बिटकॉइन ट्रेड करें ना तो ये मतलब 1% 1.5%। ठीक है, आल्ट्स को ट्रेड करने में मसला ये आता है कि ये जो है ना बहुत ज्यादा, मतलब बिटकॉइन ने 1% गिरना है, इन्होंने 4% आ जाना है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो क्वाइन सिलेक्शन है इसका कोई तरीका? ओके, देखिए कॉइन सिलेक्शन में अगर स्ट्रॉन्ग कॉइन्स की मैं बात करूँ, डेफिनेटली बिटकॉइन नीचे आता है, आर्ट्स की चीखें निकल जाती हैं, वो तो है, उसके साथ तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन आर्ट्स की सिलेक्शन किस तरह से हम करें इस पे आ जाते हैं पहले, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं ये बात करूँगा, अगर आपके पास फंड्स हैं 10,000 से ज़्यादा, ठीक है, 10,000 USDT से ज़्यादा अगर फंड्स हैं, आप फ्यूचर में ना कूद जाना, सबको कह रहा हूँ, ठीक है, लेवरेज के चक्कर में कि बस चलो मैं ले लेता हूँ 10-12x ले लेता हूँ, मेरे 10,000 बन जाएंगे और मैं उससे ट्रेड करूँ, नो, स्पॉट की बात कर रहा हूँ, नहीं है। स्किल सीखो, काम करो खुद पे, अर्न सेव एंड कम टू द मार्केट, खत्म बात, ठीक है? अच्छा चलते हैं चार्ट्स पे। पहली चीज तो ये कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आप ढूंढते हो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट को ढूंढ के अगर उस पर काम करना चाहता हूँ, काम कर रहा हूँ, तो क्या वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि वो बिटकॉइन के साथ स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा? वैसे तो सारे नीचे आ रहे होते हैं, मैं कोरिलेशन बताता हूँ आप सबको। मैं मैटिक तो नहीं, जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है जो मैंने देखा है अभी तक अच्छा होल्ड करने वाला, FTT USDT, जिसने बहुत अच्छा होल्ड किया है अपने बेरिश फेजेस को, ठीक है? FTT USDT मैं हटा देता हूँ ड्राइंग्स, ये आप कोरिलेट करें, ठीक है? इसको इस लो से, इस हाई से इतना लो आया, ठीक है, 1%। नाउ लेट्स गो टू द BTC USDT चार्ट, बाइनेंस। BTC कितना आया? ऑलमोस्ट 1%, 1% अप्रोक्स, ठीक है? FTT कितना आया था? 1%। ये कितना आया? 1%। अब चलते हैं हम इथीरियम पे, वन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट्स। इथीरियम कितना ब्लीड किया इसने? वो तो आजकल वैसे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 1%। अब इस तरह से आपने कंपेयर करना है, ठीक है? कंपेयर इसी तरह से होता है, इसका कोई और रास्ता नहीं है। हम मेटिक पे आते हैं, मेटिक ने डेफिनेटली ज़्यादा किया होगा इसको, मुझे पता है, 1.7%। अगर ये 1.7% करता है, उसी तरह से ये आउट परफॉर्म भी करता है, ठीक है? आउट परफॉर्म भी करता है। इसी तरह से आपने जो है BNB को मैं कोरिलेट कर दूंगा, इसको मैंने बहुत बहुत ट्रेड किया हुआ है। इस विक को, लिक्विडिटी विक को हम इग्नोर करेंगे अभी के लिए, मैं सिर्फ यहाँ से ड्रॉ करूंगा इसको, 1.3%। तो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट कौन सा हुआ और बिटकॉइन के साथ अच्छा बिहेव कौन कर रहा है बताता हूँ मैं।
1.5%। सबसे स्ट्रॉन्ग इस पूरे एरिया में कौन सा था? जस्ट एफटीटी, ठीक है, क्योंकि उसका जो ओनर है उसका माइंडसेट मुझे बहुत अच्छा लगता है और अच्छा इंसान है। खैर, मूविंग ऑन, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स ढूंढने हैं जो बिटकॉइन के साथ सेम मूव कर रहे हो, ठीक है, सेम, बिल्कुल सेम मूव कर रहे हो। अब इसने क्या किया, आउट परफॉर्म किया बिटकॉइन को और पंप इतना नहीं आया। डॉट इज अ होल्डिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको मैं प्रेफर नहीं करता। मेजर डिप्स में आप बाइंग करके वापस सेल कर सकते हो, अच्छा कोरिलेट करता है बिटकॉइन के साथ काफ़ी। लेट सपोज अगर आपने इस लो पे लिया होता बिटकॉइन के साथ तो आपको 4% अप्रॉक्स बच जाते, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो इस तरह से आपने कंपेयर कंपेयर करना है। अच्छा, लास्ट में वंस एंड फॉर ऑल आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ यहाँ पे, कि उस प्रोजेक्ट को समझें जिसको आप ट्रेड कर रहे हैं, कि बैक एंड पे उसकी हो क्या रहा है। उस सब चीज़ जो मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें इंशाल्लाह मैं ब्लॉकचेन के हवाले से भी बात करूँगा, और अपकमिंग वीक में आप सबको भी इंशाल्लाह मैं गाइड करूँगा ब्लॉकचेन के हवाले से, ताकि आपको ऑन चेन चीज़ें तो समझ आए ना। अब लेट सपोज मैटिक है, मैटिक में मैं क्यों उसकी हेल्प करता हूँ, उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है मेरी, मैं बताता हूँ। मैटिक में ट्रेड करने की सबसे बड़ी रीज़न जो है मेरी ये है कि इसमें फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन जिसमें हो, जो प्रोजेक्ट जो ब्लॉकचेन एक स्ट्रांग हो जिसमें ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो, जिसमें जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगी उसके नोड्स उतने ज़्यादा रन करेंगे, उतने ज़्यादा काम करेंगे, तो उसका मतलब है कि प्राइसेस उसकी ज़्यादा ओवर परफॉर्म बिटकॉइन के मुकाबले में होंगी, ठीक है। आपका मुझे पता है कन्फ्यूजन हो रही है। अब लेट सपोज मैं आता हूँ नेक्सॉल्ट पे, जिसका मैं अभी करंटली मास्टर नोड रन कर रहा हूँ पर्सनली। अच्छा, ये है नेक्सॉल्ट, ठीक है, इसके मास्टर नोड लगे हुए हैं 239, ठीक है, मूविंग ऑन। अब इसका प्रोजेक्ट किस तरह से स्ट्रांग है, एक तो नोड्स ज़्यादा है अभी करंटली, काउंट से कम है, एक टाइम पे 1040 पे भी पहुंचे हुए थे। अच्छा, तो जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगी एक प्रोजेक्ट में उतना ही ज़्यादा वो एक्टिव होगा, स्ट्रांग होगा, अच्छा बिहेव करेगा बिटकॉइन के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है। सो आई विल गो फॉर द वन हु ओवर परफॉर्म्स बिटकॉइन इन रिकवरी, ठीक है। जैसे मैं स्कोर की बात ब्रदर, आपका एफटीएम के बारे में क्या ख्याल है? एफटीएम, एफटीएम पे मैं आता हूँ, एफटीएम प्रोजेक्ट बुरा नहीं है, बताता हूँ आपको। ओके, सो इसने कितना किया है, 1.75, ठीक है, डेफिनेटली सोल एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको मैं स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करना चाहूँगा मेजर डिप्स में, ठीक है। हम एफ टी एम पे आते हैं, फिर उसके बाद मैं आज आपको अपनी रेसिपी बताता हूँ छोटी सी, जो कि आपको हेल्प करेगी स्कैल्पिंग में कन्फिडेंस देने के लिए, डबल कन्फर्मेशन देने के लिए, तो आपकी इंशाल्लाह एक्यूरेसी उससे बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, एफ टी एम को तो वीकली पे हमने आई थिंक एनालाइज भी किया हुआ था लास्ट टाइम। ओके, डेली ओवरऑल अगर देखा जाए एफ टी एम की मैं बात करूँ ना, तो एफ टी एम प्रोजेक्ट बुरा नहीं है, इसको मैंने काफ़ी ट्रेड किया हुआ है। जब ट्रेडर साहब लास्ट ईयर सर्विसेज दे रहा था तब भी हमने इसको बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रेड किया था। तो फैंटम अच्छा नेटवर्क है, अच्छा प्रोजेक्ट है, और वॉलेट कॉइन है डेफिनेटली, तो इसको इसमें मैं बिलीव करता हूँ। होल्डिंग के लिए अगर आप लेना चाहते हैं यू कैन गो फॉर इट, ठीक है, ये अच्छा परफॉर्म करेगा बुल रन में, लेकिन विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, डोंट इंजेक्ट ऑल योर पोर्टफोलियो इन टू वन, अगर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो या मूविंग ऑन, चलते हैं। आज मैं जो है चलें, अब फोकस के साथ सुनना है, देखना है सबने, ठीक है, और लेट्स टॉक अबाउट USDT.D। जिन ब्रदर्स को नहीं पता कि USDT.D क्या है, USDT डोमिनेंस क्या है, उनको मैं बता दूं कि USDT डोमिनेंस का मतलब है कि मार्केट में USDT कितनी पड़ी हुई है, पैसा USDT में जा रहा है, ठीक है। जब मार्केट आई थी 17,000 समथिंग पे, बाइनेंस के चार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये ऑल टाइम हाईज बना रहा था, एज यू कैन सी,
नाउ इट्स मेकिंग अ फॉलिंग वेज अगैन, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी इंडिकेशन नहीं है और जो कि हमें डाउनसाइड अच्छा खासा मूव दे सकती है, लाइक 16-17,000 डॉलर्स फॉर नाउ। वर्स्ट केस सिनेरियो हमारा $10,000 होगा, इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है एज यू कैन सी, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन टू द मेन थिंग, यूएसडीटी डोमिनेंस। यूएसडीटी की डोमिनेंस की मैं बात करूं अगर, तो ये आपको ये बताता है कि यूएसडीटी में कितना पैसा आ रहा है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ कोरिलेशन की तरफ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर सकूँ। बीटीसी यूएसडीटी पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है, डेली का चार्ट है, फोकस ऑन इट। अब जब जब 3 मिनट, परफेक्ट। अच्छा, तो जब जब बिटकॉइन से पैसा निकल रहा है उसमें सेलिंग हो रही है, यूएसडीटी डोमिनेंस क्या कर रही है, यूएसडीटी डोमिनेंस ऊपर जा रही है। और जब जब बिटकॉइन में पैसा इंजेक्ट हो रहा है, यूएसडीटी डोमिनेंस गिर रही है, मतलब यूएसडीटी से पैसा निकल के सीधा बिटकॉइन में जा रहा है। सिंपल इज दैट, सबसे आसान बात ये है, ठीक है। फोकस के साथ सुनना है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। ये देखिए मैं चार्ट, हाँ बस परफेक्ट, ये आप देख सकते हैं चार्ट बिल्कुल ऑपोजिट होता है इनका एक दूसरे से, ठीक है। हाँ आप देख सकते हैं इसको, प्राइसेस इसमें अगर कोई बेरिश पैटर्न बन रहा है इसमें बुलिश बन रहा होगा, इसमें अगर कोई बुलिश बन रहा है, ठीक है, इसमें बेरिश बन रहा होगा, सिंपल इज दैट, नो कॉम्प्लिकेशंस। तो ये जो है ये स्ट्रेटेजी है जिसकी जिसके साथ मैं आर्ट्स को ट्रेड करता हूँ, लेकिन सिर्फ यूएसडीटी के पेयर में, बी यूएसडी के पेयर में नहीं, यूएसडीसी के पेयर में नहीं, ठीक है, जब यूएसडी कॉइन था स्टेबल उसके पेयर में नहीं। तो यहां तक ये चीज क्लियर हो गई, मतलब कोई लाइव प्रैक्टिकल करते हैं इसको। हाँ मैं करने लगा हूँ अभी, ठीक है, आर्ट पे। वही बता रहा हूँ, लगा था मैं बताने लगा हूँ। चलें फोकस करें चार्ट्स पे, किसी का कोई क्वेश्चन हो उससे पहले तो पूछ सकते हैं। चल मूविंग ऑन, चलते हैं चार्ट्स पे। 3 मिनट के चार्ट पे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मैं अप्लाई कर चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वर्क्स वेल। बाइनेंस पे मैं ट्रेड करता था और उस टाइम के हिसाब से, ठीक है, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। अब मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम को ट्रेड उस तरह से नहीं कर पाता क्योंकि कम्युनिटी को टाइम देना होता है, बाकी चीज़ें हैं। तो या अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई विल गो फॉर, पहले तो मैं ये चीज़ ख़त्म कर देता हूँ चार्ट को, ठीक है। ये यूएसडीटी डोमिनेंस है, लेट सपोज लाइव चार्ट है, ठीक है। अब मैं इसको अगर ट्रेड करता, लेट सपोज मैं शॉर्ट करता, चलो शॉर्ट में करता नहीं हूँ लेकिन मैं टेक्निकल जस्ट आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, सिंपल प्राइस एक्शन अप्लाई करूँगा, ठीक है। पोर्टफोलियो आपका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए स्कैल्पिंग के लिए, तभी आप अच्छे चल सकोगे। एक सिंपल ट्रेंड लाइन, ठीक है, फॉर कंफर्मेशन सपोर्ट, की सपोर्ट, ठीक है, ये बाउंस हो रहे हैं। मैं क्या करूंगा, मैं लेट सपोज शॉर्ट करता हूं किसी भी प्रोजेक्ट को, मैं इथेरियम को कर लेता हूं, इथेरियम यूएसडीटी, यूएसडीटी के पेयर में, ठीक है, किसी और पेयर में नहीं कूदना। अच्छा तो मैं क्या करता, सिंपली देखें कोरिलेशन है ना, ऑपोजिट, मैं इसको देखता कि क्या यहां पे भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ठीक है, मैं यहां पे शॉर्ट पोजीशन टू लगाता हूँ, सिंपली मेरा स्टॉप लॉस जो है इन हाइस के ऊपर होगा, मेरा टेक प्रॉफिट ये लॉस। या फिर मैं और आसान कर देता हूँ आप सबके लिए, लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ सबको, अगर आप न्यू हैं इसको अप्लाई नहीं करें,
इसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं और आप बहुत लॉस कर लोगे इमोशंस के चक्कर में आके, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस वन, ये हाइज मेरे टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस बिलो प्रीवियस लो, 1:2 की ट्रेड बन रही है, एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। और ये हिट होगा, डेफिनेटली हिट होगा। अब मैं अभी के लिए आता हूँ, अभी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैं किसी भी चार्ट को, अब मैं एग्जांपल्स दूंगा प्रीवियस कैंडल्स की, ठीक है। मैं किसी भी चार्ट को लेट सपोज ट्रेड कर रहा हूँ 1 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। 1 मिनट के चार्ट पे मैं अगर कर रहा हूँ किसी भी चार्ट को, और मैं आता हूँ प्रीवियस डाटा में, हटा देते हैं ड्राइंग्स को, ठीक है, परफेक्ट। तो अगर मैं इसको ट्रेड करता लेवल टू लेवल ना, तो मैं इसको किस तरह से ट्रेड करता, डेफिनेटली अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, तो मैं इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करूँगा। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सबको ट्रेड नहीं लेना, एज अ प्रैक्टिस लिख लो अपने पास, ये ट्रेड मैंने ले ली है एज अ पेपर ट्रेड, ठीक है। अगर ये प्राइस उस इससे ऊपर जाती है, ग्रुप में आप शेयर कर देना फिर बाद में, अगर इसकी प्राइस ऊपर जाती है जो कि हिट होगी अभी, और ये ब्रेकआउट भी करेगी, अजम्पशन है, ठीक है, मेरी एक्सपीरियंस बेस्ड, ब्रेकआउट करके ये रिटेस्ट भी करेगी और प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगी। हमेशा याद रखें, यू शुड हैव अ विजन, आपको नज़र आना चाहिए कि मैं मार्केट में अगर कुछ सोच रहा हूँ तो किस वजह से सोच रहा हूँ, ठीक है। और ये अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, मेरे टारगेट्स दीज हाइस, ठीक है, इस तरह से, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट मैंने टारगेट लगाया है यहाँ पे 1.414 रीजन, ठीक है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट हायर हाई होगा अगर प्राइसेस इसकी ऊपर जाती हैं। अच्छा, सेम एज कंपेयर टू दिस मार्केट स्ट्रक्चर पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। लेट सपोज इसको आपने जज करना है, देखें इसने टच कर दिया ऑलरेडी रेजिस्टेंस को, इथेरियम को देखें आप, ऑलमोस्ट टू द टारगेट्स, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ट्रेड लेता हूँ लेट सपोज इसी इसी सिनेरियो पे, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, इथेरियम के चार्ट पे 1 मिनट का चार्ट है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं देखूंगा कि क्या यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर उस तरह से बन रहा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे चौपी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डबल टॉप जरूर बन रहा है और अब ट्रेंड भी है 1 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। तो मैं ये कोरिलेट कर सकता हूँ, अगर वो वहां पे ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, यूएसडीटी डोमिनेंस अगर ब्रेकआउट कर देती है वहां पे, और ये यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, और आप सबको पता है, मैंने बताया हुआ है कि ब्रेकडाउन में नो रिटेस्ट बहुत मुश्किल से होता है, उसको हम डेविएशन कहते हैं, फिर अपनी टेरिटरी में वापस जाना। तो ब्रेकडाउन में नो रिटेस्ट, सीधा प्राइसेस नीचे, ठीक है, हम टारगेट्स लगा लेते हैं अभी से, इसको आपने देखना है समझना है, ठीक है। ये हमारे टारगेट्स होंगे इसके लिए, फर्स्ट टारगेट दिस, सेकंड टारगेट दिस, ठीक है। अगर ब्रेकडाउन करता है, मैं शॉर्ट की आपको एडवाइस नहीं दे रहा, जस्ट एक पेपर ट्रेड है, ठीक है। इसके स्टॉप लॉस अबव दिस, अगर ब्रेकडाउन होता है और प्राइसेस नीचे आती हैं, आई विल हैव अ ट्रेड ऑफ 1:2.7, ठीक है। और प्राइसेस कितनी नीचे जा रही हैं, परसेंटेज क्या होगी इसके नीचे, 0.9। तो इस तरह से इस ट्रेड को आप देख के जज करना, ठीक है। इंशाल्लाह अभी के लिए हमारा टाइम शॉर्ट है, अभी के लिए मैं वाइंड अप करूँगा, और कल इंशाल्लाह मैं फिर आप सबको गाइड करूँगा इस पर, ठीक है। या इट कैन रिजेक्ट डेफिनेटली, बट लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अपनी स्प्रेड अपने रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ रही है, देखें। सर, ये जो इसका भी वहां से रिजेक्ट तो हो गया, तो अब इसका मतलब रिजेक्शन के बाद कितना रिट्रेस आ सकता है, ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर रिजेक्ट हो जाता है, रिट्रेसमेंट के लिए आपने सिंपली क्या करना है, एक तो हमारी लगाते हैं की रेजिस्टेंस सपोर्ट होती है, ठीक है, सर, जैसे प्रीवियस आ गई है, आ गई है, ये मेरी सपोर्ट होगी, ठीक ठीक है, यानी यहाँ पे आएगा। इसको मैं कोरिलेट किस तरह से करूंगा, इससे स्विंग लो टू स्विंग हाई, यहाँ पे मेरा 0.382 की एक
नॉर्मल मेजर सपोर्ट आ रही है, इतनी खास नहीं है, प्लस न्यूट्रल जोन इसके नीचे है, तो यहाँ पे एक विक आएगी न्यूट्रल जोन की तरफ और ट्रेंड कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स अपसाइड। तो ये अजम्पशंस हैं, ठीक है, और यू शुड हैव अ विजन ऑलवेज, रिमेंबर दिस। अगर आपके पास आपका विजन नहीं है तो फिर यू कांट डू एनीथिंग। ठीक है, ये तो हो गया, जस्ट मैंने स्ट्रेटजी बता दी है, इस पर प्रैक्टिस करें जाके, बहुत अच्छा वर्क करती है। और ये मैंने तब देखी थी जब 2021 की बात है, अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जब मार्केट वापस राइज कर रही थी, और तब मैंने बहुत सोच समझ के इस पर ट्रेड ली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्कैल्पिंग में अच्छा रिजल्ट देखा मैंने, तो अभी के लिए रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अगर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, स्टिल इंटरनल स्ट्रक्चर है, मैं इसको देखूँ, हायर हाई, हायर लो अगर बनाता है, दोबारा से इंटरनल स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ जा सकती है प्राइसेस। ठीक है, 1 मिनट के चार्ट में भी अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें, इट विल हेल्प यू अलॉट इंशाल्लाह। देखें कितनी खूबसूरती से ये जो है चीज़ें कोरिलेट तो करती हैं। मिनिमम कितना मिनिमम पोर्टफोलियो इंसान इस चीज़ में है? अगर स्कैल्पिंग के लिए आपको रियलिस्टिक अमाउंट चाहिए, सो यू शुड हैव एटलीस्ट $1,000। और इसके हवाले से मैंने सेशंस किए हुए हैं, ठीक है, जो कि सबको मैं सजेस्ट करता हूँ, बैच वन जो स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले मैं सबको आज बैच वन का जो मैंने ग्रुप बनाया है, जो कि मैं क्लोज कर दूंगा आफ्टर वी एंड दिस अप, ठीक है, वो सिर्फ लिंक्स के लिए होगा, तो वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा आज, तो वो प्लेलिस्ट आपने देख ली है आप सब ने, जिनको मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है, अगर वो अभी यहाँ पे हैं मुझे याद नहीं है, ओके ठीक है, और वो ज़रूर देखना आप सब लोग, तो इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू। उसमें मैंने रियलिस्टिक आपको गोल बताए हुए हैं, ठीक है, और रियलिस्टिक चीज़ें बताई हुई मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फिर वाइंड अप करते हैं आज के लिए। ब्रदर आप ओपन करें, उसमें मैं पूछ लूँ कि आरआर इसमें मैनेज करना मींस पोजीशन साइज अपने टोटल पोर्टफोलियो का लेना है कि पोर्टफोलियो के कितने हिस्से का आरआर करना है? ये एक प्रॉब्लम आ रहा है, मैं देख रहा हूँ लैग कर रहे हैं लोग, मैं चार्ट पे चलता हूँ, छोटी सी ये प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर देता हूँ आपकी। देखिए, इफ यू आर स्कैल्पिंग, ठीक है, तो स्कैल्पिंग में आपने क्या करना है, स्कैल्पिंग में आपका पोर्टफोलियो क्या है, आपकी ट्रेड अमाउंट काउंट होगी, स्कैल्पिंग में आपकी ट्रेड अमाउंट काउंट होगी, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो नहीं, क्योंकि स्कैल्पिंग में ज़्यादातर हम ऐसा करते हैं कि बड़ा बड़ा अमाउंट लगाते हैं, ठीक है, ताकि हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे छोटी सी छोटा सा प्रॉफिट मिल जाए। कल इंशाल्लाह स्कैल्पिंग में मैं बात करूँगा डिटेल में, ठीक है, क्योंकि जिनका पोर्टफोलियो 1,000 है, 800 है, 1,500 है, उनके लिए फिजिबल है, ठीक है, 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें लैग कर रहे हैं कि पोजिशन साइज किस तरह से मैनेज करना है। देखो, लेट सपोज तुम कोई भी हमारे भाइयों में से कोई भी ट्रेड कर रहे हैं 4 आवर के चार्ट पर, तो उस पर डेफिनेटली मैं कैपिटल का 1% लगाऊंगा, 2% लगाऊंगा, डिपेंडिंग ऑन माई एक्सपीरियंस कि मैं कितना बोल्ड हूँ अपने एनालिसिस को लेके, ठीक है। बट अगर मैं वही ट्रेड, उसी ट्रेड को मैं 15 मिनट से नीचे कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं पोर्टफोलियो का 0.1% लगाऊंगा, ना कि 1%। इस तरह से आपने अपना पोजिशन साइज मैनेज करना, ठीक है। हम ये तो कर लेते हैं कि 4 घंटे की चार्ट से 15 मिनट पे आ गए, लेकिन हम अपना रिस्क वही हाई रखते हैं, तो हमें क्या होता है, हम कहते हैं कि 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, लेट सपोज 15 मिनट के चार्ट पे मैंने कोई एनालिसिस किया है, तो मैं रिस्क क्या कर रहा हूँ, वेट, मैं रिस्क क्या कर रहा हूँ, अपने पोर्टफोलियो का 1%, ठीक है, जो कि इट इज़ नॉट वर्थ इट, खत्म, ख़राब चीज़ है। आपका अपने पोर्टफोलियो का आप 1% रिस्क कर रहे हो, आपका आपका टोटल रिवॉर्ड उस पे ही है, इज इट नॉट वर्थ, ठीक है, नेवर नेवर टेक दिस ट्रेड। देखें कितना बुरी तरीके से आपको गिराएगा, तो ये मेरा मकसद है बात करने का, ठीक है, हमेशा अपना रिस्क जो है वो अपने रिवॉर्ड से कम रखना है। प्लस ये चीज़ याद रखनी है कि अगर स्कैल्प में हो तो 0.1% लगाना है, आपका पोर्टफोलियो लेट सपोज $1,000 है, ठीक है, आप स्कैल्प कर रहे हो, आपको उसमें लॉस हो रहा है $10 का, ठीक है, तो टोटली गलत चीज़ है, क्योंकि आप $1,000 के पोर्टफोलियो में आप स्कैल्प कर रहे हो अपना रिस्क मैनेज करके $300-$400 से, उसमें आप $10 लूज कर रहे हो, और उसमें आपको फ़ायदा क्या हो रहा है, $3-$4, इट्स नॉट वर्थ इट, अनएथिकल है ना। तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम कल डिटेल में बात करेंगे, होप यू ऑल अंडरस्टैंड, एंड इंशाल्लाह हम इस पे करते हैं, ठीक है, कल स्कैल्पिंग का टॉपिक होगा इंशाल्लाह, अपकमिंग वीक में फिर हम
फंडामेंटल्स और ब्लॉकचेन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सो दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। आई विल सी यू ऑल टुमारो लाइक ऑलवेज। अस्सलाम।